Hello friends, how are you? I hope that you all have been taking care about yourself as well as working hard, studying hard for your board examination. Today, in this video, we are going to tell you about very important MCQs, multiple choice questions of last year 2020 all sets. पिछले साल के 2020 के सारे सेट्स के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस एक छोटे से वीडियो में हैं। प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब तुरंत करिए मेरे चैनल के लिए। अब से लेकर लगातार ये बोर्ड एग्जाम के दौरान हर दिन कुछ ना कुछ आपको देता रहेगा, आपकी तैयारी कराता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला था, एडिसन टोल्ड हिज टीचर बट द काइट्स हैव नो विंग्स। क्लासरूम का सीन है, आपने पढ़ा होगा। एडिसन ने टीचर से कहा कि पतंगों के तो पंख नहीं होते। आगे सेंटेंस मैंने शॉर्ट कर दिया है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका आंसर था, इट वाज एन इंटेलिजेंट आंसर। ये बहुत ही समझदारी का जवाब था, लेकिन टीचर को लगा कि शायद बेवकूफ बच्चा है, इसलिए उसे क्लास से निकाला। नंबर टू, द विक्रम संवत ओव्स इट्स ओरिजिन टू। विक्रम संवत का जन्म काहे से हुआ है, इसकी उत्पत्ति ओरिजिन है विक्रमादित्य से। लास्ट में लिखा है। नेक्स्ट है, द जजमेंट सीट वाज मेड ऑफ। बिलीव मी डियर वंस, तीन चार सेट में इस सेम क्वेश्चन पूछा गया है, रट लीजिएगा इसको। जजमेंट सीट काय की बनी हुई थी? स्टोन की, पत्थर की। व्हेन एडिसन ट्राइज हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, जब एडिसन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया नौकर बच्ची पर किया, क्या हुआ? शी फेल इन। ये भी कई कई सेट्स में सेम क्वेश्चन है। नंबर थर्ड, द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन 1929। ये भी बार बार पूछा जाता है, विद्युत बल्ब बनने की जो सिल्वर जुबली थी, यानी कि 50 साल का पूरे हुए, ये 1929 में हुए। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, द एंजल्स टुक द जजमेंट सीट टू, जो पत्थर की एंजल्स थी विक्रमादित्य की जजमेंट सीट के नीचे लगी हुई, 25 दिन की गिनती। ये भी कई बार आता है कि 25 हैं, 30 हैं, 27 हैं, 25 हैं, तो उस सीट को आखिर में कहाँ ले गए? द स्काई। यहाँ पे यहाँ देखिएगा, द स्काई। अगला है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, कहाँ मिली सीट? उज्जैन, क्योंकि उज्जैन के ही राजा थे राजा विक्रमादित्य। अगला एक और इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एडिसन वाज फाउंड ऑफ। एडिसन किस चीज़ के शौकीन थे? डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, बार बार प्रयोग करते थे, पूरी जिंदगी नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहे, तभी उन्होंने बिजली का बल्ब और ग्रैमोफोन जैसे दो महान आविष्कार किए। किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर, ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको ये मल्टीपल चॉइस कम लग रहे होंगे। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं अलग अलग सेट्स में। इनमें से एक है, राजा विक्रमादित्य काहे के लिए प्रसिद्ध थे? जस्टिस एंड लर्निंग, न्याय के लिए और अपने ज्ञान के लिए। द किंग कुड नॉट सिट ऑन द सीट ऑफ जजमेंट बिकॉज, जजमेंट सीट जो मिली दूसरे राजा के लिए, वो उस पर क्यों नहीं बैठ सका? अलग अलग आंसर है, बट द एप्रोप्रिएट आंसर इज दैट हिज हर्ट वॉज नॉट एज प्योर एज अ चाइल्ड। जो लास्ट स्टोन एंजल थी, उसने यही क्वेश्चन पूछा, क्या तुम्हारा हृदय उतना ही पवित्र है जितना कि मासूम बच्चे का होता है? जी हाँ, इसीलिए वो उस सीट पर नहीं बैठ सका। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट है, एडिसन फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड बिकॉज, एडिसन के पिता हर किताब पढ़ने पर 25 सेंट देते थे। क्यों? ही वॉन्टेड एडिसन टू रीड मोर, क्योंकि वो चाहते थे एडिसन अधिक पढ़े। इस तरह से वो उसे एनकरेज कर रहे थे, उसकी मदर एनकरेज कर रही थी, और इन सब चीज़ों ने एडिसन को एक बहुत बड़ा इन्वेंटर बनाया। तो डियर वंस, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है साथियों, और आपको ये अच्छा लग रहा हो तो मैसेज करिएगा। सो बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।